मध्य प्रदेश में पाला बदल पॉलिटिक्स जारी है। पूर्व विधायकों का अब दर्द छलकने लगा है। एक हफ्ते में दो कांग्रेस विधायकों का बीजेपी में प्रवेश हुआ। सुमित्रा देवी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, उपेक्षा का आरोप उन्होंने लगाया है। पूर्व सीएम ने कभी कुर्सी पर बैठने नहीं कहा, इमरती देवी ने यह कहा है। पूर्व सीएम ने कभी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा है। लगातार कांग्रेस को निशाने पर पूर्व कांग्रेस नेता अब ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पाला बदल पॉलिटिक्स जारी है और पूर्व विधायकों का दर्द अब छलकने लगा है। एक हफ्ते में कांग्रेस के दो विधायक बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। सुमित्रा देवी ने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम ने कभी कुर्सी पर बैठने नहीं कहा, इमरती देवी ने भी ये कहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस को निशाने पर अब पूर्व कांग्रेस के नेता ले रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब जो पूर्व विधायक है उनका दर्द अब सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं लेकिन इससे पहले कांग्रेस को झटके लग रहे हैं और इसके साथ ही अब लगातार कांग्रेस को निशाने पर भी ले रहे हैं। एक हफ्ते में दो कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी में प्रवेश किया। इसके साथ ही अब सुमित्रा देवी ने कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ ही मंत्री इमरती देवी ने सुमित्रा देवी का साथ दिया है और उन्होंने भी यह बयान दिया है कि उन्हें कभी कुर्सी पर बैठने, मंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। तो कांग्रेस पार्टी पर अब हमला लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं लेकिन उपचुनाव के पहले ही राजनीतिक उलटफेर लगातार जारी है। कल ही नेपानगर विधायक है सुमित्रा देवी ने इस्तीफा देकर बीजेपी में वो शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए, उपेक्षा की उन्होंने बात कही। कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने 16 महीने, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी थी और एक आदिवासी विधायक के होने के कारण कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे। कांग्रेस पार्टी के मुद्दा है, हमने देख लिया। मैं दलित हूँ, मैंने कांग्रेस में जाके देखा है। मैंने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर, कभी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने मुझे कुर्सी पे भी नहीं बैठा रहा। अगर कहीं एक बेफेटरी दिखा दे हमें कि फलानी जगह मैंने सम्मान के साथ इमरती देवी को कुर्सी पे बैठा रहा, तो मैं आपको जवाब दूंगी। चले तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बीजेपी चलिए और हमारे साथ के मिश्रा साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। मिश्रा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। जी शुक्रिया। बयान आपने सुना होगा कि लगातार अब पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहे हैं, उपेक्षा का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया, बीजेपी का दामन थामा है। देखिए मुझे हंसी आ रही इन बयानों को सुनने के बाद में। कमलनाथ जी ने उन्हें कुर्सी पर नहीं बिठाया तो कोई अच्छी पार्टी छोड़ देगा, और कमलनाथ जी जितने सॉफ्ट हार्टेड, तो मुझे लग रहा है कोई लीडर ही नहीं। हम लोग भी कमलनाथ जी के साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनके पास छल नहीं है, उनके पास कपट नहीं है। उन्होंने हर व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान दिया है और कोई व्यक्ति अपनी मात्र संस्था जिसके प्रति वो विचारधारा को समर्पित है, वो व्यक्ति सिर्फ कुर्सी पर नहीं बिठाने को लेकर कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा। पूरा प्रदेश जान रहा है कि किसने किस लिए और क्यों पार्टी छोड़ी है, उसके पीछे उनके हित क्या थे। और कुछ दिनों बाद जब सबके बैंक बैलेंस ओपन हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि किसने किस लिए छोड़ी है कांग्रेस। चलिए तो ये पता चल जाएगा कि किस लिए पार्टी छोड़ी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी 24 में। रजनीश जी जिस तरह से आरोप अब आपके पार्टी के जो नेता है वो कांग्रेस पर लगा रहे हैं, उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए
देखिए हमारी पार्टी के नहीं है तो इनके पार्टी में जो लोग रहे हैं वो उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, तिरस्कार का आरोप लगा रहे हैं, अपमान का आरोप लगा रहे हैं, संवादहीनता का आरोप लगा रहे हैं, संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं और खुलकर लगा रहे हैं। आरोप उनके राहुल गांधी जी से लेकर कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह तक पर है, सरेआम है, खुलेआम है, किसी ने जवाब नहीं दिया। तथ्यपरक ढंग से विसाहू लाल जी हो, राज्यवर्धन दत्तीगांव जी हो, एनएल सिंह कसाना जी हो, जो बरसों बरस कांग्रेस में रहे और चाहे नए नवेले विधायक हों, उन्होंने भी खुलकर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनके आरोपों के तथ्यपरक और कट्टू कट में जवाब देने की बजाय ये अनाप शनाप आरोप लगाने का काम करते हैं। जो सबूत मांगते थे एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, वो सबूत नहीं दिखाते हैं, इतने जो खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कौन लोग हैं जो आ रहे हैं, इनके आगे तो लंबा चौड़ा अपना भविष्य है, राजनीतिक भविष्य, शुरुआत कई लोगों की हुई है। कुछ अगर कांग्रेस का भविष्य अच्छा होता या उनका भविष्य कांग्रेस में अच्छा होता तो वो कांग्रेस काय को छोड़ते। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी इसीलिए कि वहां उनकी भी भविष्य अंधकार में है और कांग्रेस का भविष्य भी अंधकार में है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़नी। विधायक से इस्तीफा को यूं ही नहीं दे देता। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति के 8 विधायकों ने, यानी बहुत बड़ी बात है मध्य प्रदेश में कि 8 अनुसूचित जाति के विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा है, त्याग पत्र दिया आपने, विधायक पद से त्याग पत्र। कितनी घुटन महसूस होती होगी, अपमान महसूस होता होगा अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, कि वहां से उनको बाहर आना पड़ा, विधायक पद से त्याग पत्र देना पड़ा, जिसमें तो कुछ तो मंत्री बनने के बाद में भी अपमान का घूंट पीते रहे। तो ये इन बातों का उत्तर देने की बजाय, अपने आत्मावलोकन करने की बजाय, नेतृत्व में गुणवत्ता लाने की बजाय वो यहाँ वहां के आरोप लगाते हैं, जिससे कभी ना तथ्य देते हैं ना सबूत देते हैं और आरोप लगाते हैं अपने केवल शर्म ढकने के लिए, अपना मुंह छिपाने के लिए। मुझे लगता है आत्मावलोकन करें अच्छा, ना करें तो अच्छा है, उनकी मर्जी। चलिए फिलहाल तो अब यहाँ उपचुनाव होने और इस तरह से पार्टी में असंतोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार यहाँ पर जारी है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।